राज्यसभा में हंगामा करने पर 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। बचे हुए सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं 8 सांसद। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, राज्यसभा में हंगामे पर सभापति का बयान, कल जो हुआ बहुत दुखद है, माइक तोड़ना संसदीय परंपरा के खिलाफ है, रूल बुक फाड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है, उपसभापति की बात नहीं मानी गई, ये कहना है वेंकैया नायडू का। वेंकैया नायडू ने साथ ही एक्शन भी ले लिया है और 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। उपसभापति के खिलाफ अविश्वास की मांग भी खारिज कर दी गई। सांसदों के निलंबन पर सभापति ने क्या कहा, सुनिए। ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 एंड द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस, श्री संजय सिंह, श्री राजीव साटव, श्री के रागेश, श्री सैयद नजीर हुसैन, श्री रिपिन बोरा, मिस डोरा सेन, श्री अनवरम करीम, ऑल दीज पीपल हैव बीन नेम्ड बाय द मिनिस्टर एंड दोज इन फेवर प्लीज रेज देयर हैंड्स एंड से यस, दोज अगेंस्ट विल से नो। आई थिंक आई हैव इट The motion is adopted. Thereafter, Sri Derek Oberoi, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Rajesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Ms. Dera Sen, Elmaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. So, we please leave the house, those members who have been called, leave the house. Now, as for the business... तो हंगामा करने वाले 8 सांसदों पर गिरी है गाज, जो एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है। संसद के मानसून सत्र का आज 8वां दिन है। राज्यसभा में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों के निलंबन के लिए 8 प्रस्ताव लाया गया और राज्यसभा में कुछ सदस्यों के व्यवहार को लेकर बीजेपी ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने का मन भी बनाया था, लेकिन अब चूंकि 8 सांसद हो गए हैं निलंबित, एक हफ्ते के लिए 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और इनमें बड़े नाम हैं, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन सहित 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है। अभी की यह बड़ी खबर है, इनमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी शामिल हैं। डेरेक ओब्रायन सहित 8 विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। हंगामा करने वाले 8 सांसदों पर निलंबन की तलवार चली है और इनमें बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं ये सांसद। वेंकैया नायडू ने यह फैसला किया है। उपसभापति से बदसलूकी की गई थी। डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजीव साठव, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। रिपुन बोरा, नजीर अहमद, के राकेश पर भी कार्रवाई की गई और ये एक्शन लिया गया है। चूंकि रूलबुक फाड़ी गई थी, उपसभापति की बेंच तक चले आए थे ये लोग, वेल तक आकर के हंगामा किया था, माइक भी छीनने की कोशिश की थी, माइक तोड़ने की कोशिश डेरेक ओब्रायन की तरफ से कल की गई थी, जिसकी तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही हैं। और साथ ही सभापति जो राज्यसभा के हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने यह कहा कि कल जो कुछ भी संसद के अंदर हुआ यह संसदीय परंपरा के खिलाफ है, रूल बुक फाड़ना और माइक तोड़ने की कोशिश करना यह बिल्कुल भी बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। हालांकि विपक्षी पार्टियों में खासतौर से 12 पार्टियों ने एक पूरी रणनीति अख्तियार की थी, क्योंकि आज राज्यसभा में पेश होने जा रहा है 3रा किसान बिल और विपक्ष ने यह कहा था कि अगर यह 3रा किसान बिल पास हो गया तो यह किसानों के डेथ वारंट पर सिग्नेचर करने जैसा होगा, यह कांग्रेस का कहना था। 12 विपक्षी पार्टियों ने आज वेंकैया नायडू ने क्या कहा है, एक बार फिर सुने आप। ऑनरेबल मेंबर्स, आई वाज सो पेन्ड यस्टरडे, ऑल सोशल डिस्टेंसिंग एंड कोविड-19 रिलेटेड प्रिकॉशंस वर वायलेटेड बाय सम मेंबर्स इन द हाउस यस्टरडे। इट पेन्ड मी अ लॉट बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड यस्टरडे डिफाइज लॉजिक। इट वाज रियली बैड डे फॉर राज्यसभा। Some of the members also accepted outside also, yes they did it, and getting onto that table, dancing in the house and also obstructing the business of the house, this is very unfortunate, it unacceptable and also condemnable. It tarnishes the image of parliament, particularly the elders house. So climbing on the bench, dancing, shouting in the well, tearing papers, breaking the mics, obstructing deputy chairman from his duties, throwing papers, rule book on deputy chairman, is it a parliamentary standard? I only suggest to the members of parliament, please do some introspection, and is it the way to conduct, if marshals were not called on time? हंगामा करने वाले 8 सांसदों पर गाज गिरी है, आगे भी इस खबर पर हम रहेंगे। राज्यसभा में हंगामा मचा है, 3रा किसान बिल आने वाला है, आप आएगा या फिर नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। संसद से लेकर के सड़क तक सवाल और बवाल कितने हैं। किसान के कुरुक्षेत्र में भी आपको लेकर चलेंगे। 3 किसान बिल पर किसानों की सोच क्या है, यह भी आपको दिखाएंगे।